नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नई थाना क्षेत्र में आने वाले पाई गांव में दोपहर करीब 3 बजे अपने गांव बागपुरा माजड़ी जाते 18 वर्षीय लोकेश खराड़ी पुत्र रामलाल खराड़ी निवासी बिलुराणा कॉलोनी सज्जनगढ़ रोड मल्ला तलई के साथ 7 दोस्तों पर अज्ञात कारणों से ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। अचानक होते हमले की गंभीरता को भांपते हुए 8 दोस्तों में से 5 मौके से भाग गए और उनमें से 3 को नई थाना पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया। घटना क्रम में घायल हुए लोकेश खराड़ी की बहन ने बताया कि भाई लोकेश अहमदाबाद में होटल में नौकरी करता है, जो त्यौहार के चलते घर पर मिलने आया हुआ था। हमारा पुश्तैनी मकान जाडोल बागपुरा माजड़ी में है, जहां पापा रहते हैं, और उनसे मिलने भाई अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तभी बीच मार्ग में चाय की थड़ी पर चाय पीने रुके, जहाँ गाँव के लोगों ने उन पर अज्ञात कारणों से धावा बोल दिया। पीड़िता ने बताया कि घटना दोपहर 3 बजे घटित हुई, जिसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस ने परिवारजन को रात्रि 9 बजे दी, जिस पर सूचना पर मिलने के साथ ही नई थाना पहुंचे, जहां पर वह 4 युवक मौजूद थे, जो घटना स्थल से मेरे भाई को लोकेश को कार में बिठाकर नई थाना लाए थे। उन्होंने बताया कि नई थाना 9 बजे तक लोकेश बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन चिकित्सालय लाने के पश्चात पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लोकेश मौके पर ही आपस में हुई लड़ाई के चलते मुंह पर पत्थर लगने से गंभीर घायल हो गया था। इसके दूसरी ओर घटना में घायल लोकेश की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मौके पर जब 3 दोस्तों को हिरासत में ले लिया, तो आखिरकार मेरे भाई को क्यों नहीं पकड़ा, और जो हालात वर्तमान में हैं भाई के सामने आ रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी संबंधित पुलिस थाना को ही बताया। हालांकि सारे मामले पर संबंधित थाना SHO श्याम रत्नु से हुई बात में यह सामने आया है कि लोकेश और उसके दोस्त में कुछ दोस्तों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, जिस पर दोस्तों ने आपस में ही मोबाइल फ़ोन मांगा और मोबाइल नहीं देने को लेकर आपस में यह बहस हुई और आपस में लड़ पड़े, जिसे देख गांव वाले भी बीच में पड़ गए। साथ ही यह भी बताया कि सारे घटनाक्रम में 3 अन्य युवकों को चाकू के वार लगने से घायल होने की बात बताई, जिनका उपचार कराया गया। इसके दूसरी ओर लोकेश खराड़ी की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे भाई को कार में बैठा कर जो 4 युवक लाए, उन्होंने ही मेरे भाई की हालत की है। न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए बहन ने कहा कि अगर उचित न्याय नहीं मिला तो संबंधित थाने के बाहर ही आत्महत्या कर लूंगी। हालांकि बीते कल हुई घटना को लेकर संबंधित जिला प्रशासन मुस्तैद है और उसी के तहत उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में अल सुबह से ही एक बड़ा पुलिस जवानों का बल तैनात किया गया है। उसके दूसरी ओर लोकेश खराड़ी के परिवारजन और संबंधित मृतक के गांव वाले मोर्चरी में उचित न्याय की मांग करते हुए अड़े हुए हैं। मेरा नाम प्रीति है और मैं बिलुराणा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा भाई गांव के लिए निकला था यहाँ से दोस्तों के साथ, और वहीं पे मतलब भी बीच रोड में रुके होंगे, वहाँ पे ठेले पे वहाँ पे किसी से हाथापाई हो गई और वहाँ पे मौके पे पुलिस भी पहुँच चुकी थी, जिनमें से 3 को तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर मेरे भाई को क्यों नहीं पकड़ा। और पुलिस का कहना है कि हाथापाई में मेरा भाई घायल हुआ था और उसके मुंह पे पत्थर मारने से ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पत्थर मारने से ये सारा पूरा उनका ब्रेन चला गया है तो वो वहीं गिर जाता, फिर वो जंगलों की तरफ कैसे भाग सकता है और नदियों में कैसे भाग सकता है ना, जहाँ से 4 लोग उनको उसको पकड़ के सही सलामत उसने कार में बिठाया है। ये बात एक लड़का है, उसका फ्रेंड है, उसी ने मेरे को बताया है कि मतलब 4 लोग थे जिन्होंने कार में सही सलामत बिठाया है, लेकिन बाद में जब वो वहाँ से थाने तक पहुँचा तो वो घायल हो चुका था। और पुलिस वालों ने भी 4 घंटे तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन, घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और इनका ये फर्ज नहीं बनता क्या कि घर वालों को एक बार बता दे, चाहे वो गुंजरीम हो या गुनहगार हो या बेकसूर हो, कुछ भी हो, लेकिन इनका फ़र्ज बनता है कि एक बार घर वालों को बताए। जब मैंने 3 घंटे से लगातार इधर उधर कॉल करके पता किया, तब जाके मुझे पता चला कि किसी ने बोला मेरे को किसी वहाँ पे अलसीगढ़ में, अलसीगढ़ पता किया तो किसी ने बोला नाई में, फिर नाई में पता किया तो बोले कि अलसीगढ़ में, ऐसे ऐसे मुझे यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे ये लोग, है ना। और उसके बाद जाके फाइनली मैंने 3 लोगों को नाई में पकड़ के लाया ये बोला, तब जाके मैं नाई थाने में गई और फिर मुझे पता चला। पुलिस वालों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि है ना
बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती हो और ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मल सी चोट आई है, बस आधे घंटे में वापस आ जाए, उन्होंने ये बोला। और जब मैंने उनसे बोला कि मैं एक बार मिलना चाहती हूँ, मैं जाके वहाँ पे मिल सकती हूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि आप जाके मिल सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आधे घंटे में ले आएंगे वो, ये बोला। और जब मैं यहाँ आई तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और डॉक्टरों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जब से लाया है तब से ये बेहोश है, और इसका मतलब पूरा माइंड ख़त्म हो चुका है, और इसकी जो फेफड़े हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। कितनी बजे की घटनाक्रम है ये? करीब 2 या 3 बजे की घटना है। क्या करने गया था आपका? और रात को 9 बजे तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरा भाई यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। इतने घंटे तक पुलिस ने छुपा के रखा। मैं तो बस ये चाहती हूँ मुझे पुलिस से सब कुछ सच सच जानना है कि क्या है और आपका भैया करता क्या है। मेरा भाई पहले पढ़ाई करता था, उसने 10th पढ़ के छोड़ दिया, और वो होटल में जॉब करता है, बाहर रहता है, यहाँ नहीं रहता है, और दिवाली मनाने वो यहाँ पे आया था। बागपुरा क्या करने जा रहे थे? बागपुरा मेरा गांव भी है, मेरे पापा वहीं पे हैं, वो उनसे मिलने भी जा रहा था, और उसका एक फ्रेंड है जो हमारे गांव के पास में रहते हैं, तो वो उनके यहाँ जा रहे थे। आपका क्या मानना है पुलिस के व्यवहार को लेकर? मेरा यही मानना है कि पुलिस कभी बोलती है कि हाथापाई में उसके मुँह पर लग गई, और उसकी वजह से ये इतना सीरियस हुआ है, तो उन लोगों का कहना है, जिन लोगों ने छोड़ा है, उन लोगों से मेरी बात हुई, वो थाने में जब मैं गई थी वहीं पर थे, और उन लोगों ने बोला है कि हम इसको बचा के लेके आए, है ना, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई जब वो उसको वहीं पे अगर घायल हो गया था, वो उसके इतना जोर से लगा जिससे अब आज अभी मरने की हालत में वो 2% चांस है, तो वो कैसे भाग सकता है, कैसे? मेरे को यही जवाब चाहिए कि कैसे वो भागा और वो लोग कैसे उसको पकड़ के लाए, और जब पकड़ा तब सही सलामत था, और थाने तक पहुँचता पहुँचता इतना घायल कैसे हुआ? जो घटना हुई उसमें लेके आप किसको लगता है, किस पे संदेह आपको? मुझे उन 4 लोगों पर जो लेके आए हैं, उन्हीं 4 लोगों पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शक है कि जब गाड़ी में सही सलामत बिठाया गया तो आगे आके उन्हीं 4 लोगों ने उसके साथ कुछ ना कुछ मारा पीटी की। अभी पुलिस की कार्यशैली को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि बस पुलिस जो भी है, मुझे सारे सवालों के मेरे जवाब चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी जाके उनके थाने के सामने ही आत्महत्या करूँगी, अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता है तो, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस होगी अगर मुझे मेरे सारे सच नहीं बताया गया। आपके भैया के साथ कितने जने गए थे वहाँ? मेरे भाई के साथ करीबन ये 8 फ्रेंड्स थे जो सारे गए हुए थे। उनमें से किसी को पकड़ा? उनमें से 3 लोगों को पकड़ रखा है, और उनको कोई चोट नहीं है, इतनी सी खरोच भी नहीं आई है, और 4 लोग फरार हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल, अगर हाथापाई अकेले मेरे भाई के साथ नहीं हुई, उन लोगों के साथ भी हुई, उनको एक खरोच तक नहीं आई, और आज मेरा भाई जो है वो मरने पे। उन 4 लोगों को आप पहचान जाओगे? मैं पहचानती हूँ उनको, उनकी ऑलमोस्ट शक्ल थोड़ी थोड़ी अंधेरे में देखी थी, पर पहचान लूँगी, और वो अलसीगढ़ के रहने वाले हैं 4ों।